अपराधी जो हैं रात के अंधेरे में निकलते हैं। नीतीश जी के राज में अपराधी जो हैं बेलगाम हो गए। अपराधियों के मन में ना डर है, ना भय है, ना पुलिस का, ना प्रशासन का। आप देखिएगा, दिन दहाड़े ये जानते हुए भी कि सीसीटीवी है, फिर भी जा करके गोली मारना, ये कोई मामूली बात है। और व्यवसायी समाज पे खास तौर पे टारगेट करके अपराधी जो हैं इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं और काम को अंजाम दे रहे हैं। नीतीश कुमार के पास, मुख्यमंत्री जी के पास होम डिपार्टमेंट है, यानी लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में करने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार जी के पास है। मुख्यमंत्री जो है हरियाली यात्रा पे निकले हैं। हम लोगों का सलाह होगा, मुख्यमंत्री जी, हरियाली यात्रा से पहले आप अगर अपराध खत्म करो यात्रा पर निकलते तो ज़्यादा बेहतर होता। जिस प्रकार से बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, दिन में एक दिन में 100 मर्डर बिहार में, 50 गैंगरेप मर्डर, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और यही लोग दुहाई देते हैं। हम लोग अगर इनके साथ खड़े होते तो 15 साल की याद दिलाते हैं। आज उनसे पूछिए कि अपने कारनामों को छुपाने और 15 साल राग अलपने से जो आपका काम है, जो आपका जो पाप है, वो धुलने वाला नहीं है। इसलिए प्रशासन को खास तौर पे हमारी सभी एसपी, होम सेक्रेटरी और जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आरओ, उनसे बात की है और परिवार के लोगों से भी हमने बात की है। परिवार के लोग बस इतना चाहते हैं कि वो अपराधी जल्द से जल्द पकड़ा जाए और साफ साफ सीसीटीवी में चेहरा होने के बावजूद भी आप लोगों ने देखा होगा कि अब तक जो है अपराधी पकड़ा नहीं गया है। तो पुलिस महकमा को जिस हिसाब से एक्टिव होना चाहिए, और यही बगल का चौक है, लोग कहते हैं यही गांजा पी करके, दारू पी करके लोग पड़े रहते हैं। बगल के व्यवसायी आए, वो कह रहे हैं कि उनसे 20 लाख की रंगदारी मांगी जा रही है। तो ये किस प्रकार का बिहार नीतीश कुमार जी ने बनाने का काम किया? नए नए नारे गनते हैं। अब बिहार विचार नहीं कर रही, बिहार ने तय कर लिया कि अब नीतीश जी को भगाना है, क्योंकि इनसे बिहार संभल नहीं रहा। आप देखिएगा, शराबबंदी, लेकिन शराब जो है होम डिलीवरी हो रहा है, घर घर शराब मिल रहा है। हमने यहाँ के लोगों की ये मांग थी, सभी व्यवसायिकों की ये मांग थी कि यहाँ जो है चेक पोस्ट जंगपुरा में दिया जाए, और हमने एसपी से बात करके होम सेक्रेटरी से ये डिमांड किया है कि यहाँ जल्द से जल्द चेक पोस्ट की व्यवस्था की जाए। तो आप देखिए, जिस राज्य में एक दिन में 100 मर्डर हो रहा है, 50 बलात्कार हो रहा है, ये केवल जंगपुरा की ये घटना की बात नहीं, ये पूरे बिहार की बात है। कई ऐसे घटना तो सामने भी नहीं आते, ये तो मीडिया है, आप लोग हैं तो ये सामने आया, वरना लोगों को पता भी नहीं चलता। पुलिस के लोग तो एफआईआर तक लेने को तैयार नहीं होते, लोग चक्कर पे चक्कर काटते। तो ये जो व्यवस्था जो नीतीश जी ने कायम की है, जो कहते हैं कानून का राज होना चाहिए, यहाँ तो ये दिखाई दे रहा बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। और जिस प्रदेश का डीजीपी अगर कहता हो कि वो भी सुरक्षित नहीं है, डीजीपी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता, तो आम जनों का सुरक्षा का कल्पना आप सोचिए क्या हो सकता है। 100 मीटर की दूरी पर थाना है, 100 मीटर रेलवे लाइन क्रॉस करते ही थाना। मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार का यात्रा कर रहे हैं, तो पूरे बिहार की हरियाली यात्रा का क्या मतलब? तो पूरे बिहार का क्या हाल होता होगा? आप देखिए ना, क्या हाल होता होगा तो हम बता रहे हैं। एक दिन में 100 मर्डर होने हैं बिहार में। जैसे जी, हैदराबाद की जो घटना हुई है, ठीक उसी तरह